नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महागठबंधन बनाई है। हालांकि इस महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव इस महागठबंधन के नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे थे और अब नीतीश भी इस गठबंधन में शामिल है। लेकिन इस महागठबंधन के नेतृत्व के बदौलत अब जहाँ सीएम नीतीश कुमार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस गठबंधन के दल लगातार इसमें पेच फंसाते हुए जा रहे हैं। दरअसल जीतनराम मांझी की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपनी पार्टी की बैठक करते हुए यह फैसला ले लिया है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी और पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ेगी। दरअसल राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दानिश रिजवान ने बताया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में बड़ा फैसला लिया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिल्ली निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने का फैसला, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली निकाय चुनाव को लेकर लगातार पहले से भी चर्चा है और अब जीतनराम मांझी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। महागठबंधन से अलग मांझी चुनाव लड़ेंगे, तो मांझी के चुनाव लड़ने को लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। अब एक बार फिर से संतोष सुमन के उन बयानों को सुनवाते हैं, कैसे संतोष सुमन स्पष्ट किया है कि वो आने वाले दिनों में इस चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं और पार्टी के तमाम नेताओं का मानना है कि चुनाव करा लिया जाना चाहिए और इसको लेकर उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी भी पूरी कर ली है और अब दिल्ली में जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं उसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर मजबूती के साथ उतरेगी। तो पहले ही महागठबंधन के दल वहां पे चुनाव लड़ चुके हैं और मांझी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है। संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा है, उनके बयानों को सुनवाते हैं। तौर पर जब हम मांग करेंगे तो बिहार सरकार से, अब बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो हम लोग को जनगणना और उन लोगों को करना है उसमें निश्चित तौर पर आएगा कि हमारी जातीय जनगणना जब होगी तो हम कितने सब कास्ट का उनका रिप्रेजेंटेशन है, कितना प्रतिनिधित्व है सरकारी पदों में और जनसंख्या के अनुपात, तो निश्चित तौर पर ये मांग हमारी पार्टी के तौर पर रहेगी और इसके लिए हम लोग करेंगे। और दूसरे अभी दिल्ली में निकाय चुनाव होना, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग उसमें भाग लेंगे। आप लोग उसमें किसी दल के साथ? अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।